तो नमस्कार विद्यार्थी, देख सकते हैं आप हमारे हाथों में कक्षा 11वीं गणित का 4 अप्रैल को होने वाला यहाँ पर आपका 110% रियल पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी, हमने आपको इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था। यहाँ पर देखिए कोडिंग बारकोड आपको देखने को मिल रहा था, जिससे इसकी रियल पेपर की पुष्टि हो जाती है। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, 3 और 4 नंबर वालों का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा सेट नहीं है तो हमें इससे नहीं पढ़ना है। देखिए विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड ने जो है गणित के 2 मेन सेट प्रोवाइड करा है और हम आपको 2 मेन सेट प्रोवाइड कराते हैं हर पेपर के पहले। तो इन्हीं 2 मेन सेट से विद्यार्थियों आपके जो है सभी सेट के प्रश्न बनने वाले हैं इन्हीं पेपर से। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, आप जो है यहाँ पर आपको जो है टोटल यहाँ पर देखिए टोटल विद्यार्थियों आपको देखिए यहाँ पर जो है 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 12-13 पेज है आपके यहाँ पर। इसी प्रकार सामने से आप देख सकते हैं 13 पेज है, 80 नंबर का पेपर होने वाला है, 23 क्वेश्चन है, 3 घंटे मिलेंगे हल करने के लिए। सभी सेटों में जो है विद्यार्थी क्वेश्चन समान रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा जो है विद्यार्थी सभी सेट में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चेंज होंगे, क्वेश्चन के क्रम आगे पीछे हो सकता है और मुख्य या फिर अद्वा प्रश्न में से आपका एक प्रश्न चेंज होगा। इसलिए आपको दोनों सेटों के अद्वा सहित आपको प्रश्नों की तैयारी कर लेनी है, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। यदि आप छोड़ोगे तो विद्यार्थी आप बहुत बुरा पछताओगे, इसे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। और हाँ विद्यार्थी, सबसे पहले आपको जो है रियल पेपर लर्न क्लब पीसीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है। तो विद्यार्थियों, हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक करना है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा दे। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूट्यूब के शेयर ने लगा दिए दहाड़, सब्सक्राइब करो और फायदा पाओ बार बार। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू कर। तो हमने आपको 2 अंक और 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा दी थी। यदि आप उन्हें देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरा हाल देख सकते हैं, है ना, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो देखिए विद्यार्थी, प्रश्न 16 आपको दिए गए हैं यहाँ पर। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि a संग b डैश बराबर a डैश संग b डैश। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों। देखिए पूरा उत्तर आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से विद्यार्थियों मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर पूरा जो है आंसर बनाकर यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए विद्यार्थी, ये रहा आपका पूरा उत्तर। सबसे पहले आप जो है विद्यार्थी इतना पूरा हल करेंगे। और हाँ विद्यार्थी, देखिए आपको जो है मेथड को अपने दिमाग में बिठा लेना है, सवाल को ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आपको मेथड को दिमाग में बिठा लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपकी संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन संख्या चेंज यदि हुई भी तो यदि आपको मेथड पूरी पता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर दोगे। बस आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन में दिए रहे हैं, ठीक है। यह आप बात मेरे ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। इतना आपने हल कर दिया, फिर आप जो है इतना हल कर देंगे और आपका यहाँ पर जो है सिद्ध यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अद्वै क्वेश्चन विद्यार्थी हमें क्या दिया है, 400 व्यक्ति के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा कितने अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इसका हम यहाँ पर हल देखेंगे, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये रहा आपका इसका पूरा हल, है ना। सबसे पहले विद्यार्थियों आप जो है इतना हल करेंगे, ये आपका पूरा यहाँ पर हल निकल जाएगा। पूरे विद्यार्थियों एक एक प्रश्न एक एक सवाल की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि यदि आपसे कोई 12 बजे रात को भी जगाकर पूछे कि इस सवाल का हल किसका, इस सवाल को कैसे सोल्व करते, तो आप उससे बता पाओ, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 17 में दिया, सिद्ध कीजिए, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको जो है यहाँ पर सोल्व करना है, सबसे पहले आप इतना पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है, फिर आपको बढ़ाना है यहाँ पर आगे, फिर आप इतना पूरा यहाँ पर सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते विद्यार्थियों पूरा हल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो विद्यार्थियों आपको देखिए इतना यहाँ पर पूरा सोल्व कर देना है, ये दाया पक्ष आपका निकल जाएगा, है ना। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आपका बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर इसके अद्वै क्वेश्चन की तरफ। इसके अद्वै में भी आपको जो है इस इक्वेशन को आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा सोल्यूशन, इतना आप सबसे पहले जो है सोल्व कर देंगे, है ना, इतना आपको सोल्व करना है पहले, फिर पूरा आप इतना यहाँ पर सोल्व कर देंगे,
अब देखिए विद्यार्थियों, इसका प्रश्न 18 में दिया है, यदि 1/8 है ना, इसको आपको जो इसमें आपको जो है इस x का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, इतना पूरा आप जो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इस तरीके से। तो लाइक का बटन आपने अभी तक नहीं दबाया तो क्यों कर रहे हो, खटाक से लाइक का बटन दबा दिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते, इतना हक तो हमारा बनता ही है, ठीक है। अब इसका प्रश्न यहाँ पर 18 का अधवा दिया है, यदि NC9 = NC8 तो NC17 का मान याद कीजिए, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा सॉल्यूशन, इस प्रकार आप जो इसे यहाँ पर हल कर देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका 19 क्वेश्चन आपको दिया है, दीर्घ वृत्त 9x का वर्ग धन 16 वाई का वर्ग बराबर 144 के लिए दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाई या नाभिक के निर्देशांक शीर्ष और उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन, ये विद्यार्थी पूरा आप इसे हल कर देंगे। ये देख लीजिए पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसका अधवा में दिया दीर्घ वृत्त एक्स का वर्ग बटे 25 धन वाई का वर्ग बराबर 9/9 बराबर 1 के लिए दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाई या नाभिक के निर्देशांक शीर्ष और उत्केंद्रता ज्ञात करना है। तो इसका तो मैंने आपको सोल्यूशन दिखा दिया था, इसका सोल्यूशन दिखाना रह गया था। तो देख लीजिए विद्यार्थियों, इसलिए इस प्रकार आप सोल्व यहाँ पर आपको करना है। सबसे पहले आप इतना सोल्व कर देंगे, फिर आपको इतना यहाँ पर सोल्व कर देना है। अब 20वां क्वेश्चन हमें क्या दिया विद्यार्थियों, करणी 5 धन 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका यहाँ पर पूरा फुल सॉल्यूशन, पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका अधवा क्वेश्चन हमें दिया है, समीकरण x का वर्ग धन 3x + 9 = 0 को हल कीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आपको दिया है, यदि a की घात n धन b की घात n बटे a की घात n माइनस 1 प्लस b की घात n माइनस 1 ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थी इसका यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन, ठीक है विद्यार्थी, पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये आपका उत्तर यहाँ पर निकल जाएगा। अब विद्यार्थियों 20वें का जो है यहाँ पर आगे का सोल्व करने का तरीका था, तो विद्यार्थी आप जो इसका इस प्रकार यहाँ पर सोल्व कर देंगे और आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा ये। अब विद्यार्थियों यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है ना, ये देखिए 21वां, तो हमने देखिए 21वां का अथवा, तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों इसका अधवा हमें दिया है, यदि दो धनात्मक संख्या a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों 21वें का अथवा का यहाँ पर पूरा फुल सॉल्यूशन, आप यहां पर देख सकते हैं 4 16 4 16 4 आपकी संख्याएं निकल लाएंगी। अब देखिए विद्यार्थियों 22वां क्वेश्चन हमें यहां पर दिया गया है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए कोमा बी है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण एक्स बटे ए धन वाई बटे बी बराबर 2 है, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका यहां पर फुल सॉल्यूशन, इतना आप सोल्व करेंगे सबसे पहले है ना, इसके बाद आपको यहाँ पर जो है इतना पूरा सोल्व करेंगे और आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। इसका अधवा हमें दिया है, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतः खंड A और B हो तो दिखाइए कि 1/P² = 1/A² + 1/V² तो ये रहा विद्यार्थियों इसका फुल सॉल्यूशन, पूरा आप इसे इस प्रकार जो है हल कर लेंगे।
चलो ससुरा, यहाँ पर आपका 23वां क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये आपका रहा, ठीक है। अब चलिए इसका देख लेते हैं। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन। इस प्रकार आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए भर जाता है वहाँ पर इसके अदवे की तरफ। अदवा आपको दिया है, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। तो ये रहा विद्यार्थी इसका फुल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर गणित का पूरा हल आपको यहाँ पर शो कर दिया है। तो मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।